तो भाई ये कौन सी ब्रीड है ये कैट्स की? ये ब्लू पॉइंट सियामीज। गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू अदील की दुनिया। तो अभी बजा है दिन के 12 और मैं और नबील भाई जा रहे हैं अभी कैट शो, तो वहां जाके पता करते हैं कि कब स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे ही स्टार्ट होने वाला होगा हम लोग रायल भाई को भी कॉल कर देंगे, फिर रायल भाई भी आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपन अपने कैट शो में। सभी भाई तो लेके आएंगे तुम्हें, तो चलिए चलते हैं अपन अपने कैट शो में। कंपटीशन में तो आ गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर कैट फूड्स भी हैं, सिग्नेचर पैट फूड, फैमिना पैट फूड, तो बहुत सारे पैट फूड्स भी हैं यहाँ पर। और ये हो रहा है अभी कोयफेज़ा में फोर सीजन लॉन में हो रहा है, उसका जो डूब बना है ना वहाँ पर ये कैट शो हो रहा है। तो अभी अपन अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैट शो कैसा है। अंदर तो घुस चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारी कैट्स हैं, तो देखते हैं कि किस किस टाइप की कैट्स हैं यहाँ पर। अगर तुम अपनी कैट्स ले आते तो यहाँ पर सब पूरी तुम्हारी कैट्स ही भरे आते हैं। कितनी कैट है? 4-5 तो कैट है, 4 कैट्स हैं इन लोगों का। बताओ सारी पर्शियन कैट, सारी पर्शियन उनका फेवरेट जैन है जिसकी अभी तबीयत खराब है, और मार्शल भी है। क्या बात है, यहाँ पर अपन कैट्स देखते हैं। ये है विस्कस, ये कैट का नाम है परी। तो भाई ये कौन सी ब्रीड है ये कैट्स की? ये ब्लू पॉइंट सियामीज ब्रीड है। ब्लू पॉइंट सियामीज ब्रीड है, तो क्या से बिलोंग करती है? अच्छा, थाईलैंड से। इसको वहाँ पे सियाम बोला जाता है। अच्छा, यूएस में जब इसको लाया गया उसको जी जी, तो तब से इसका नाम यानी सियामीज हो गया। सियामीज हो गया। अच्छा, तो इसकी क्या प्राइस हो जाती है? जिसे मैं दिल्ली मुंबई से मैंने उसको मंगवाया। अच्छा अच्छा, तो ये सेल के लिए लाए आप या कॉम्पिटिशन? क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस विनर। बहुत अच्छी कैट है, खूबसूरत भी है, इसको बेस्ट इन ब्रीड मिला है। अच्छा, इसकी खासियत ये है कि शॉर्ट हेयर होती है। शॉर्ट हेयर? अच्छा हाँ, पर्शियन जैसे, वही मैंने देखा कि इसके शॉर्ट हेयर है। ब्लू रहती है और इसका हल्का सा ग्रीन ग्रे कलर रहता है बाल बाल जी जी हाँ, फेस पर और हाथ पे, बाकी वो पूरी ग्रे रहती है। अच्छा, और इसका नाम वाम आपने कुछ रखा है? जैक, नाइस नेम भाई। तो ये जो कैट्स हैं सब अलग अलग है? सबके ऑनर भी अलग। अच्छा अच्छा, तो आप सिर्फ इसके ऑनर हैं और कोई कैट नहीं लाया? और आपने दिल्ली से लिया है? हाँ हाँ, सही बात है, बहुत अच्छी कैट है भाई, और कॉन्ग्रेचुलेशन एक और बार, आपको विनर मिला। अच्छा, ये लगा भी तो है। हाँ, ये विनर है आज कैट। कौन सी कॉम्पिटिशन की विनर है ये? अच्छा, सही है भाई। हाँ, ऑर्गेनाइज हुआ जिसके लिए अपन। अरे बहुत शानदार है ना भाई। क्या क्या दिखाऊं? किसको दिखाऊं? कैट को दिखा तो रहा हूँ, ये तो रही कैट, भाई से वही तो बात कर रहा था अभी मैं। हाँ तो बस बात है, ये तो स्नो वेल जैसी लग रही है ना, बस कलर ब्राउन है इसका। वो स्टुअर्ट लिटिल में नहीं थी वाइट कलर की स्नो वेल, पूरी उसकी कॉपी है स्नो वेल। इसका नाम क्या है? पता नहीं क्या नाम है। भाई ये बंगाल टाइगर कैट है, बंगाल कैट। तो ये ब्रीड कहाँ की है कुछ पता है आपको? अच्छा, बनाई गई है। तो किससे मिला के ये ब्रीड बनाई गई है? एशियन लेपर्ड कैट। अच्छा, डोमेस्टिक कैट से ब्रीड करके ये कैट निकली है भाई, बहुत खूबसूरत लग रही है। आप ही की कैट है ये? बहुत खूबसूरत लग रही है भाई। तो आपने कितने टाइम से रखा हुआ है इस कैट को? 2 साल हो गए। वाह यार, बहुत यूनिक कैट है भाई, बहुत प्यारी लग रही है। तो अभी ये मैंने देखा था ये गुस्सा हो गई थी, तो ऐसा क्या हो गया था? अच्छा, थोड़ा एग्रेसिव हो जाती है। वाह यार,
तो ये आप सेल अच्छा है, अच्छा वाइल्ड ब्रीड है, एग्रेसिव हो जाती है, मतलब इसका नेचर ही एग्रेसिव है। तो ये अच्छा कैसे रखते हो, तो आप तो हाँ 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 एग्जॉस्ट हो जाती होगी कैट, तो आप तो खैर बहुत अच्छे से रख रहे हैं कैट को। तो ये आप सेल करते हैं या करते हैं, तो इसकी प्राइस वाइज अगर आप एक लाख से 5 लाख तक, तो ये आपकी ब्रीड में अगर आप सेल करना चाहें तो कितने तक की आप दे सकते हैं? 3.5 सही है भाई। एग्जिबिट तो इसका नाम शेर खान अच्छा अच्छा फर्स्ट चैंपियन वही है फायर, तो अब ये भी चैंपियन बनेगा आगे जाके इंशाल्लाह। अच्छा वाह भाई सही है भाई। तो अगर आप ये सेल करना चाहें तो 3.5 में आप सेल करना है मतलब करेंगे नहीं। अच्छा अभी नहीं करेंगे, अच्छा ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन ये ब्रीड को कर सकते हैं आप। अच्छा सही है भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपकी कैट भी बहुत यूनिक है और बहुत खूबसूरत है भाई। ओ भाई खतरनाक भी लग रही है, और लेपर्ड जैसा शेप है इसका पूरा, देखो ये है एक्सट्रीम पंच फेस कैट भाई। आपकी कैट है तो कौन सी ब्रीड है ये? पर्शियन है, ओके बहुत अच्छी लग रही है। और ये सब पर्शियन है। अच्छा तो ये बहुत फूली फूली लग रही है, ये बहुत वो लग रही है, एग्रेसिव नहीं वो फेस बहुत फूला फूला लग रहा है। अच्छा एक्सट्रीम पंच ऐसी होती है, नाइस। हमारे पास जो है वो जो मार्शल है हमारा वो पंच फेस का है। अच्छा और एक्सट्रीम पंच भी हम लेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। लोगे तो एक्सट्रीम पंच का फेस ऐसा ही होता है और पंच फेस का कुछ इस तरह है। पंच फेस का ऐसा होता है और डॉल फेस भी आते हैं। डॉल फेस भाई आपकी कैट है, कौन सी ब्रीड है ये? क्लासिक लॉन्ग हेयर। तो ये कहाँ की ब्रीड है ओरिजिनल में? अच्छा पर्शियन से ही ओरिजिनेटेड है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह भाई। ये कितने साल की है? 9 महीने की। 9 महीने भी बहुत अच्छी लग रही है। तो ये आप किस इरादे से लाए, मतलब सेल के लिए भी है? नहीं है सेल के लिए, ऐसे ही बहुत अच्छी लग रही है भाई। ये कौन सी कैट है? डेजर्ट। तो ये कहाँ से ओरिजिनेटेड है? साउथ अफ्रीका। तो ये कितने साल की हो चुकी है? ये 4 मंथ्स की है, बहुत अच्छी लग रही है। तो ये ओरिजिनल ब्रीड है या किसी से मिलके बनाई है? ओरिजिनल ब्रीड है ये, नीचे और हैं। हाँ ये बड़ी वाली है, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा फादर है ये फादर है ये बच्चे हैं। अच्छा सही है। तो उसकी क्या प्राइस रेंज आती है? हाँ 2.5 लाख रुपए। ये पैर 1,10,000 के और ये बड़ी वाली 2.5 लाख। नाइस। तो ये अभी ऑन मतलब जैसा कोई यहाँ लेने आए तो ये सेल कर हो जाएंगी आप? अच्छी है। इनका नाम एक और बार बता दी मुझे, रोमियो और जूलियट, और ब्रीड नेम? डेजर्ट लिंक्स। ओके मैं नाम वाम मेंशन कर दूंगा। ये कौन सी कैट है? बंगाल। ये कौन सा कंपटीशन जीती है अभी? जी अभी तो फर्स्ट। ये रॉयल जो कैनन होता है ये सारी कैट सारी ब्रीड के लिए होता है या कोई मतलब एक स्पेशल ब्रीड के लिए फूड होते हैं? ये सारी ब्रीड के लिए होते हैं, तो अपन ये सारी ब्रीड को खिला सकते हैं? डिपेंड एवरी ब्रीड है यूनिक रिक्वायरमेंट। अच्छा हर ब्रीड की हाँ यूनिक रिक्वायरमेंट होती है हर ब्रीड की। अच्छा तो इसका कोई टाइम पीरियड तो मतलब टाइम तो नहीं रहता ना कि 2 बजे तक खिलाना है या 3 बजे तक खिलाना है? डिपेंड करता है, बट कैट जनरली 8 to 10 टाइम
10 बार खाती है 8 से 10 बार एक दिन में खा जाती है। ओके रॉयल चेन रॉयल कैनन हाँ रॉयल कैनन सॉरी रॉयल कैनन नाम है फूड का। तो भाई ने मुझे जैसे बताया कि कैट 8 से 10 बार खाना खाती है एक दिन में। ये आप इस कैट के बारे में बता सकते हैं इसका नाम वगैरह ब्रीड ना, ये आपने पंपकिन को देखा पंपकिन हाँ हाँ देखा है देखा ऊपरी हिस्सा हाँ 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 उसी के ऊपर इसका नाम रखा है कद्दू कद्दू हाँ भाई बहुत बहुत क्यूट भी लग रही है। हाँ, मेल किट है ये अच्छा 1.5-1.6 ईयर का अच्छा अच्छा और कंप्लीट वैक्सीनेटेड है जी एफसीआई के अंदर रजिस्टर्ड है जी जी और ये इंस्टाग्राम का एक्चुअली मॉडल है अच्छा पेट्स प्रोडक्ट्स होते हैं हाँ हाँ मॉडलिंग करता है। अगर हैशटैग कद्दू डालेंगे जी जी तो मेरा कद्दू आपको मिल जाएगा। अच्छा तो ये ब्रीड आप कौन सी है पर्शियन पर्शियन ये पर्शियन प्योर पर्शियन ब्रीड है बहुत प्यारी लग रही है यार। इसकी मैं आपको लेंथ दिखाता हूँ जी जी इसका फुल लेंथ है। वाव फुल लेंथ है इसका ये और नाम भी बहुत यूनिक है कद्दू और बहुत प्यारी भी लग रही है कद्दू की तरह। आप देखिए इसको इंस्टाग्राम पे हाँ इंस्टाग्राम मॉडल है ये अच्छा मेरा पेट शॉप का नाम है इंडियन कैट हाउस इंडियन कैट हाउस ओके इंस्टाग्राम पे का वो डाल दूंगा मैं। जी 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 गुस्सा हो रही है अभी तो लगता है वो सोने का टाइम है अच्छा सोने का टाइम हाँ हाँ एग्जॉस्ट हो गई होगी जी 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 अच्छा थोड़ा बहुत चलता है हाँ बहुत अच्छी थैंक यू। अच्छा ग्रूमिंग रेंज है क्रिस क्रिस्टन यहाँ लिखा हुआ है तो ये कैट्स का होता है पूरा। अच्छा तो क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं अपने इसमें शैम्पूज परफ्यूम्स कैट लिटर है। अच्छा तो ये वही प्रोडक्ट्स हैं जी। ओके ये लिखा भी यहाँ पर पेट ब्यूटी केयर आई ग्रूम और कंडीशनर परफ्यूम्स यहाँ लिखा भी है डी शेडिंग डी टैंगलिंग कंडीशनर स्क्वीकी क्लीन शैम्पू और ये क्या चीज़ है परफ्यूम्स हैं लिखा भी है स्मार्ट सिनेरियो हाँ वो प्रोडक्ट्स भी हैं। ये प्रोडक्ट्स कौन से हैं क्रिस क्रिस्टेंस हैं। अच्छा ये भी शैम्पू है सब अलग अच्छा कंडीशनर शैम्पू सब क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से। अच्छा उसके हिसाब से जैसे कुछ एग्जांपल बता सकते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अच्छा अच्छा डे टू डे डेली आप यूज करते हो अच्छा जी जी ओके तो ये परफ्यूम तो अपन किसी भी कोई सी भी कैट को लगा सकते हैं परफ्यूम का कोई अच्छा बाकी ये शैम्पू वगैरह का है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो हेयर फॉल वगैरह हाँ अच्छा नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं हेयर फॉल हो रहा है ना तो भी वो अच्छा अच्छा सही है ओके बहुत अच्छा। यहाँ पर ये प्रो डाइट का कैट फूड है लिखा भी यहाँ पर प्रो डाइट और ये पूरे उनके फूड रखे हुए हैं आप देख सकते हैं प्रो डाइट का स्टेज वन क्यों लिखा है ऐसा भाई ये एक पैकेट पे जो लिखा है ये स्टेज वन फूड तो ऐसा क्यों लिखा हुआ है। एक्चुअली स्टेज वन जो है वो किटन के लिए है अच्छा जो स्टेज टू है वो अडल्ट के लिए। अच्छा तो किटन के लिए स्टेज वन और किटन वो अडल्ट कैट के लिए स्टेज टू। अच्छा तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं इस फूड के अगर कैट को अपन खिलाएं तो क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अच्छा प्रीमियम फूड है ओके ओके कोई इशू है तो नहीं इसकी ग्रेवी भी है। अच्छा ग्रेवी भी है ओके ओके ये सैंपल्स हैं। अच्छा ये सैंपल्स हैं और ये मेन फूड हैं। ये ग्रेवी फूड्स हैं और ये इनके नॉर्मल फूड जो ये नॉर्मल फूड तो ये अपन ऐसे मतलब कोई स्पेसिफिक कैट्स के लिए ये सारी कैट्स को खिला सकते हैं अपन सारी कैट्स को खिला सकते हैं अपन ओके कोई सी भी पर्शियन बंगाल कोई सी भी खिला और जो नॉर्मल स्ट्रीट उनको भी खिला सकते हैं। ओके बहुत अच्छा है भाई यहाँ पर राहिल भाई ने अपने ही ब्लॉग चालू कर दिया करो करो सर पर रायना अपनी कैट के लिए मैसेज लिखती हुई जाओ लिखो जैन पता नहीं कितनी कैट्स हैं 4-5 कैट्स हैं कितनी कैट्स हैं लिखो लिखो क्या मैसेज लिख रही हैं मार्शल जैन कितनी तो बिल्ली हैं तुम्हारे पास सोफी और क्या ये तो वन पीस के कैरेक्टर की नाम हो गया लिख दो बेटा इंस्टाग्राम यूजर नेम तू लिख दे सॉफी
कैट से तो हम मिल लिए और सारी कैट देख भी ली थी और फूड वगैरह भी देख लिए थे और प्लस उनके शैम्पू वगैरह परफ्यूम्स वगैरह भी देख लिए थे। तो अब चलते हैं यहाँ से क्योंकि थक चुके हैं, तो चलिए चलते हैं यहाँ से। रायना बुरा मान गई थी तो जिस दिन हम लोग ब्रदर्स डे आउट मनाने गए थे, तो आज हमने सारा कजिन्स डे आउट बना लिया, खुश भी हो गई। वेलकम वेलकम। तो ये आप चैनल पे जरूर देखना, अपने दोस्तों को भी बोल दो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करें। शेयर सब्सक्राइब कौन बोलेगा, मैं आगे बोलूँगा। हाँ तो अपने जो भी आरायना की फ्रेंड्स थी वो सब ये बात सुनी है और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना जो करना हो। ओके कैट शो से आ गया था मैं घर पे और बहुत थक गया था क्योंकि मेरा सर दुख रहा था, तो मैं थोड़ी देर सो गया। फिलहाल मैं उठ के हो चुका हूँ नहा धो के रेडी क्योंकि अभी अच्छा, नहा धो के वाह जोर जोर से बोल के सबको बता दे। नहा के हाँ नहा के मैं रेडी हो चुका हूँ क्योंकि मेरी कजिन सिस्टर का रिसेप्शन है। रिसेप्शन है भाई, बर्थडे है भाई, रिसेप्शन है तो रिसेप्शन में चलते हैं। अभी हम रिसेप्शन पे आ चुके हैं, खाना वाना हो चुका है और मेरे लिए अभी बहुत प्राउड मोमेंट है जिस बात की मुझे बे इंतहा खुशी हुई है। हमारी YouTube फैमिली में से हमें एक फैमिली मेंबर मिल चुके हैं जो कि मेरे भाई हैं यहाँ पर, मोहम्मद मुबशर। और मियाँ आपने मेरी मतलब भाई ऐसे आए मेरे पास कि आप अदील की दुनिया, तो मुझे बहुत खुशी मिली कि हमारे भाई हमारे पास आए खुद से और हमसे मुलाकात की। और मैंने इनसे पूछा कि हमारी वीडियोस कैसी लगती है, तो आप हमारे व्यूअर्स को भी बता दें। आपकी वीडियोस तो बराते तो आप इतनी अच्छे हैं मगर आपको व्यूज नहीं मिलते, मगर वो भी मिलेंगे अभी धीरे धीरे इंशाल्लाह। मगर बहुत सारे लोग आपको देखते जरूर नहीं, मगर सब्सक्राइब नहीं करते। हाँ। तो मेरी ये दरखास्त है जो जो सब देखते हैं तो आप सब्सक्राइब भी करिए भाई को, ताकि भाई थोड़ा बढ़े आगे। अरे बहुत शुक्रिया भाई, इंशाल्लाह जरूर करेंगे, आपने बोल दिया तो। इनका भी चैनल है, इनको भी सब्सक्राइब करें, चैनल मोहम्मद मिस्टर मोहम्मद मुबशर है इनके चैनल का नाम। तो मुझे बड़ी खुशी मिली इनसे मिलके, तो अभी इनसे अपन बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ ये इनका चैनल है, आप देख लिए, टैग कर दिएगा। हाँ टैग कर दूंगा मैं, तो आप इनको भी देखिएगा, भाई बहुत मेहनत कर रहा है। और मुझे बहुत खुशी मिली इनसे मिलके, बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे। अभी हम एक शॉर्ट शूट करेंगे जो आपको इनके चैनल पर मिल जाएगी, तो आप देखना ज़रूर, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगी। तो जल्दी से हम लोग शॉर्ट शूट कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं, बहुत प्यारे प्यारे, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी कजिन सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। और ये हमारे भाई, देखिए इनसे मिलके मुझे बड़ी खुशी मिलती है। ये बड़े मुस्कुरा रहा हो, ये आँख में क्या हुआ? अरे यार ऐसे मत करो, ध्यान रखा करो अपना। हमारी जोरा आपकी हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अरे कुछ बोल तो दो। अरे यार आप तो शर्मा गई यार। अरे यार शर्माओ मत यार, शर्मा गई आप। ये हमारी इल्मा आपकी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अच्छी हैं, शादी कैसी लग रही है? अच्छी, खाना खा लिया आपने? हाँ। ये सब छोटे भाई बहने जो मुझे बहुत प्यार देते हैं, माशाल्लाह। एक और अप्पी आ गई, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छी हैं, मज़ा आ रहा है शादी में? अरे अब्दुल रहमान तो मिल गए। यहाँ पर हमें हमारी खाला मामी सब मिल चुकी हैं जो हमें बहुत सपोर्ट करती हैं। हाय बिग फैन। अरे बिग फैन, चल भाई तू तो घर पे रहता है। ये हमारी मामी है, आप देख सकते हैं। ये हमारी फायजा खाला है, ये हमारी नायला खाला है। नायला खाला, फायजा खाला फुल अप टू डेट रहती हैं और फौरन कमेंट करती है मेरे ब्लॉग में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है खाला जब आप कमेंट करती हैं, और हमारी मामी को भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद आते हैं। थैंक यू मामी, आप लोगों के बिना मेरा चैनल नहीं चलेगा। बोल नहीं थी आप, बोलिए फिर से। अरे यार शर्मा मत यार, अभी बोल नहीं थी आप, जल्दी जल्दी धीरे से बोल दो, जल्दी कोई नहीं सुन रहा, जल्दी जल्दी। अरे यार बोल दो यार। तो रिसेप्शन से तो आ गए हैं घर, अब थक चुके हैं और चेंज वगैरह भी कर लिए, तो अब मैं एडिटिंग करूंगा और उसके बाद सो जाऊंगा।
तो यही था आज के व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।